कैलकुलेट द सेल कॉन्स्टेंट तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने से जो इसे हमें सॉल्व करना है तो जो जो फॉर्मूला यूज होगा तो फॉर्मूला है कप्पा दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस सी इंटू एल बाई ए तो ये जो एल बाई ए होता है यही होता है सेल कॉन्सटेंट जो कप्पा है वो कापा एक्चुअल में होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो हमें गिवन है एंड सी होता है कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस इक्वल टू वन बाई आर भी हम इसे मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस का उल्टा ही एक्चुअल में कंडक्टेंस होता है तो हमें कापा भी गिवन है रेजिस्टेंस तो हमें गिवन ही है तो रेजिस्टेंस हमें अगर गिवन है तो, तो कंडक्टेंस तो कितना होगा ना वन बाई रेजिस्टेंस वन बाई हंड्रेड ओम दैट इज इक्वल टू वो आ जाएगा वन बाई हंड्रेड इंटू ओह का इन्वर्स होता है वो जो कंडक्टेंस है उसका यूनिट होता है ओम इन्वर्स तो ये हमारा कंडक्टेंस आ गया और हमारा कप्पा की भी कप्पा भी गिवेन है जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो टू सेवन सिक्स फाइव तो अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो जी, आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन सिक्स फाइव दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस जो है वन बाई हंड्रेड इन टू एल वाई ए तो एल वाई है हमें यही है सेल कांस्टेंट तो सेल कॉन्स्टेंट हमें निकालना है तो सेल कांस्टेंट अगर हम निकाले तो इसको हंड्रेड से अगर मल्टीप्लाई कर तो हमारा जो एल वाई यानी कि सेल कांस्टेंट आ रहा है वो आएगा जीरो पॉइंट टू सेवन सिक्स फाइव सेंटीमीटर इनवर्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ने टाइप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर